हजरत कासिम बिन हसन इमाम हसन के बेटे थे। वो जब मैदान में जाने लगे तो इमाम हुसैन ने कहा, नहीं भाई तू नहीं जाएगा, तू मेरे भाई की निशानी है, मैं जाऊंगा। हजरत कासिम बिन हसन ने एक तावीज खोल के दिया, काबा जी मेरे वालिद ने कहा था जब बड़ी मुश्किल आ जाए तो तावीज खोल के देखना, तो आज बड़ी मुश्किल आई है तो मैंने तावीज खोला है, तो ये देखे क्या लिखा है, ये तो रुका है, तावीज है ही नहीं। जब खोल के देखा तो उस पर लिखा था, कासिम अगर हुसैन पे कोई कड़ा वक्त आ जाए तो बैठ के आगे आगे रहना, अगर कड़ा वक्त मेरे भाई पे कभी आ जाए ना, देखना इसके आगे आगे चलना, इसे हसन की कमी ना महसूस हो, भाइयों जो साख नहीं कोई, जे बेच खार ना होवे। सैयदना इमाम हुसैन पहली दफा करबला में उस वक्त रोए जब ये रुका, आपने देखा तो फरमा ठीक है, अगर हसन की ये वसीयत है तो मैंने जिंदगी में अगर उनकी हर बात मानी है अब भी मानूंगा, तुम्हें इजाजत है। जनाब कासिम बिन हसन 16 साल का जवान जब मैदान में निकले तो हाय हाय पता नहीं कहां से आ गई है। इमाम कासिम बिन हसन जब मैदान में निकले तो तबरी से लेकर अल्लामा अबुल हसनात साहब सबको पढ़ के तो देखो, 3 दिन की प्यास है, शदीद आजमाइश है, दुख है, तकलीफें हैं, फिर भी पहली दफा जब मैदान में गए हैं वापस आए हैं 19 लोगों को कत्ल करके वापस आए। सुनाओ किस्सा खैबर को तमामी अपने बच्चों को, अली की दास्तां सुन के दिलों से डर निकलता है, अली की दास्तां सुन के दिलों से, ये जो बच्चे डर रहे हैं ना वो चिमगादड़ आ गई, काकरोच आ गया, ये खौफ निकल जाएगा अगर हजरत कासिम बिन हसन की बात सुने। दर्जनों लोग आपने कत्ल किए, एक दफा आए कहा चाचा यजीद का लश्कर तो बड़ा बुजदल है, अगर चंद कतरे पानी मेरे हलक से गुजरे तो मैं सारे काट के ले आऊंगा आपके पास, चंद कतरे। लेकिन थोड़ी देर गुजरी, अमर बिन साद कहने लगा अकेले अकेले जाओगे तो अली का पोता है, ये सबको मार देगा, इकट्ठे जाओ, चारों जानब से तीर बरसे, एक तीर लगा आके गर्दन के पीछे, बस जनाबे सैयदना कासिम बिन हसन घोड़े से नीचे गिरे। जनाबे ज़ैनब हौसला करके आंसू समेट के कहने लगी, मैं देख रही हूँ पर्दे के पीछे से हुसैन मेरे भाई का बेटा गिर गया है, जा उसे उठा के ला। हजरत इमाम हुसैन उनको उठा के लाए, तो इमाम हुसैन ने सीने से लगाया हुआ था तो उनके पैर उनका कद लगता था इमाम हुसैन से ज्यादा है, उठा के लाया, लिटा दिया गया। इमाम हुसैन के अपने बड़े बेटे मैदान में निकलने को, अली अकबर नाम है, जब जिन लोगों ने हुजूर को नहीं देखा था वो जब कहते ना हमने नबी पाक का दीदार नहीं किया तो बताओ किस तरह के थे, तो बताया जाता था कि जनाबे अली अकबर का दीदार करो, हम शबीहे मुस्तफा, और जब वो गलियों में निकलते थे तो औरतें छतों पर चढ़ जाती, जनाबे अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो तलवार लेके मैदान में निकले, जवान बेटे देने बड़े मुश्किल, ओ यारो रट्टा क्या है ये तो बताओ, कि जालिम आदमी हुक्मरान यार ये रट्टा है, एक जालिम का रास्ता रोकना है इस रट्टे के लिए, हम शबीहे मुस्तफा। जनाबे सैयदना इमाम अली अकबर मैदान में निकले, बड़े लोग मारे बड़े, फिर एक तीर उनके भी गले में लगा, और जब वो गिरे ना जमीन पे तो हजरत इमाम हुसैन दौड़ के आए, दौड़ के, और जब तशरीफ लाए तो उनके गले से तीर खेंचा, एक जुमला लिखा है साहिब तबरी ने, उसने हद कर दी, कहने लगे तीर खेंचा तो इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए, कहने लगे काश जनाब इब्राहिम आज मेरे सामने होते तो मैं उन्हें कहता कि आपने तो बेटा जीबा करते वक्त आंखों पे पट्टी बांधी थी, देखो मैं खुली आंखों से बच्चे जीबा कर, खुली आंखों, काश जनाब इब्राहिम खलील होते तो उन्हें कहता।